डर बड़ा ही अजीब शब्द है ये डर, जिसका खुद का कोई भी वजूद ही नहीं है, कोई भी अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें इतनी ताकत है कि दुनिया के हर इंसान हर प्राणी के अस्तित्व को प्रभावित करता है ये डर। और दुनिया के हर इंसान में हर प्राणी में होता है ये डर, आप में भी होगा। लेकिन आज इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ये अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या होता है ये डर और इस डर को कैसे डराना है, कैसे भगाना है, और अगर डरना ही है तो किन चीजों से डरना है। तो इस वीडियो को पूरा देखना यार, क्योंकि आधी जानकारी से पूरा डर नहीं निकल पाएगा। दुनिया के हर इंसान में, किसी में कम तो किसी में थोड़ा ज्यादा, लेकिन कोई ना कोई डर तो होता ही है। दुनिया के 90% लोगों की तो ये आदत बन जाता है, उनके दिल और दिमाग पर कब्जा कर लेता है ये डर, लोगों के दिलों में अपना घर बना लेता है ये डर, एकदम अनबुझ अनसुलझी पहेली की तरह। मन के किसी कोने में केवल आशंकाओं के आधार पर पैदा होने वाला ये डर, या यूं कहें कि आशंका और संभावनाओं की इस औलाद को, इस बच्चे को जब आप अपने अंदर थोड़ी सी भी जगह देते हैं रहने की, तो धीरे धीरे इसका कद बड़ा होने लगता है, और कभी कभी तो ये इंसान को पूरी तरह से अपने शिकंजे में कस लेता है ये डर। इस दुनिया के करोड़ों ख्वाबों को पैदा होते ही कत्ल कर देता है ये डर, या यूं कहें कि इंसान के सपनों का सीरियल किलर है ये डर, जो केवल एक भ्रम मात्र है, बिना सबूतों का एक दिमागी केमिकल लोचा, एक झूठ हमारे दिमाग की ओवर डिफेंसिव प्रोग्रामिंग, जो आपको उन चीजों से डराता है जो कभी हुई ही नहीं और हो सकता है कभी हो भी ना, लेकिन किसी चीज के होने या ना होने की संभावना का फायदा उठाता है ये डर। आपका कमजोर विश्वास और कमजोर परिस्थितियां इसका भोजन है, जो इसे बड़ा होने में मदद करती हैं, और जैसे जैसे ये बड़ा होता जाता है वैसे वैसे ये लोगों को उनके कंफर्ट जोन के पिंजरे में धकेलता जाता है। इतिहास साक्षी है, बहुत से लोग जो अपने जीवन में कुछ खास कर सकते थे, कुछ बड़ा बन सकते थे, केवल इस डर की वजह से आम बनकर रह गए और इस दुनिया से यूं ही चले गए, ये कहते हुए कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। क्योंकि ये डर जो जरूरतों को सीमित कर देता है, जो आपकी उड़ान के पंखों को काट कर एक कंफर्ट जोन के पिंजरे में रहने के लिए मजबूर कर देता है, और आप भी समझौता कर लेते हैं बिना कोशिश के, हार मानकर डर के इस पिंजरे में रहने के लिए। यकीनन डर के उस पिंजरे में जीना आसान लगता है, लेकिन आसान होता नहीं है, क्योंकि अगर आप वो चुनेंगे जो आसान है तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, और अगर आप वो चुनेंगे जो मुश्किल है तो जिंदगी आसान हो जाएगी। डर हर इंसान में बचपन से ही होता है। एक छोटे बच्चे के लिए माँ बाप डरते हैं कि जब वो चलना सीखे तो कहीं गिर ना जाए, लेकिन माँ बाप जानते हैं कि हो सकता है ये कई बार गिरे, लेकिन गिरना भी एक हिस्सा है, एक पार्ट है उस सीखने का। बच्चे में अंधेरे का डर, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो ये सीखने लगता है कि अंधेरा केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है और कुछ नहीं, और वो डरना बंद कर देता है। सोचिए, जब आप छोटे थे तो पहली बार साइकिल चलाते हुए कितना डरे थे आप, पापा छोड़ना नहीं गिर जाऊंगा, और धीरे धीरे पापा ने कब पीछे से आपको साइकिल के साथ अकेले छोड़ दिया और कहा कि अरे वाह तुम तो चलाने लगे, आप भी हैरान, मैंने तो ये कर दिखाया, हो सकता है आप गिरे भी हों लेकिन सीखने के लिए वो गिरना जरूरी था। कितना सिंपल था ना बचपन में डर को भगाने का ये सिंपल सा फार्मूला, कि सीखना है तो करना पड़ेगा, करोगे तो गिर भी सकते हो, लेकिन सीखना है तो गिरने के डर को छोड़ना होगा, क्योंकि गिरना सीखने का ही एक हिस्सा है। और जब आप कुछ भी करने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा देते हैं तो आप सीखने लगते हो, और जैसे जैसे आप सीखने लगते हो, आपकी प्रैक्टिस, आपके ज्ञान, आपके छोटे छोटे प्रयासों से डर के आपका डर कहीं दूर भाग जाता है। जरा सोच के देखिए कि आपको अपने जीवन में ऐसे अनेकों अनुभव मिलेंगे जब आप जीवन में बहुत ही डरे होंगे कुछ करने से पहले, लेकिन करने और सीखने के बाद वो डर कहीं गायब हो गए। आज आपको सोचकर भी हंसी आएगी कि आपके वो 90-95% डर बेवजह ही थे, बेकार में ही आपने उन दिनों टेंशन ली। इसी तरह आज आपका जो डर आपको टेंशन दे रहा है, आपकी हिम्मत को तोड़ रहा है, वो भविष्य में आधारहीन लगेगा। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, इस सिंपल रूल्स को भूलने लगते हैं,
आप अपने डर के साथ जीने लगते हैं क्योंकि आप समझौता कर लेते हैं, समझौता अपनी परिस्थितियों से, समझौता अपनी गरीबी से, समझौता अपने फेलियर से, समझौता अपने व्यक्तित्व से, समझौता अपनी तरक्की से, और समझाने लगते हैं खुद को ही जो भी है, जितना भी है काफी है। और यही है आपकी वो कंफर्ट जोन जो किसी डर के कारण आप अपना लेते हैं। और फिर जब भी आप कुछ नया करने की सोचते हैं तो आपका डर आपको डराने लगता है, नहीं तुम ये नहीं कर सकते, इसमें रिस्क है, ये सेफ नहीं है, ये करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम पर जिम्मेदारी है, ऐसा सोचना भी मत। तुम में और उनमें बहुत फर्क है, लोग क्या कहेंगे, कभी एग्जाम का डर, कभी रिजल्ट का, कभी डिग्री का, कभी नौकरी के इंटरव्यू का, कभी बिजनेस में, कभी किसी खेल में फेल हो जाने का डर। और डर इंसान को मानसिक रूप से कमजोर और सुस्त बना देता है, और हमें जो भी है, जितना भी है, जैसा भी है, उसी में संतुष्ट रहने के लिए कंफर्ट जोन में धकेल देता है, और आप कोशिश से पहले ही हार जाते हैं। डर या तो संभावनाओं को लेकर होता है या फिर भविष्य को लेकर, लेकिन दोनों का ही संबंध आपके आज से नहीं है, केवल सोच है जिसे आप खुद बनाते हैं, क्योंकि डर से लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए, और हिम्मत के लिए आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, जो शुरुआत में काफी मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ भी नया ट्राई करने में मुश्किलें तो आती ही हैं, और मुश्किलों से बचाना तो इन डर महाशय का फेवरेट काम है। लेकिन आपका डर ये नहीं जानता कि मुश्किलों से बचाकर वो आपको और मुश्किलों में डाल रहा है। लेकिन डर को तो अपना काम करना ही है, आपको जीवन के हर नए चैलेंज, हर मुश्किल से दूर भगाने के लिए डर को तो डराना ही है, और अपने चक्रव्यूह में फंसाने के लिए ये आपके दिमाग की खिड़की पर अज्ञान, संभावनाओं और मजबूरियों के कई पर्दे डालने लगता है। आपके पास दो ऑप्शन है जिंदगी जीने के, या तो आप डर के साथ जीते हैं अपनी कंफर्ट जोन में, या फिर अपने सपनों के साथ जीते हैं मुश्किलों का सामना करते हुए। आप जब तक अपने सपनों के पंखों को खोल खुली हवा में उड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप मुश्किलों का सामना नहीं करेंगे, तब तक आपको मुश्किलों से लड़ना नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे जब तक आप पानी में उतरेंगे नहीं, आपको तैरना भी नहीं आएगा। डर से लड़ने के लिए आपको अपने भीतर अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी ताकत को इकट्ठा कर इससे लड़ना होगा, और डर के प्रति अपना दृष्टिकोण भी बदलना होगा, या यूं कहें कि जीवन में जीतने के लिए सबसे पहले अपने डर को जीतना होगा। आपको अगर आम बनकर जीवन नहीं बिताना तो आपको अपने आप को तैयार करना होगा, अपने आप से ये कहना होगा कि अब बहुत हुआ, मैं तैयार हूँ बिना डरे ढेरों बार फेल होने के लिए, मैं तैयार हूँ रिजेक्शन के लिए, मैं तैयार हूँ मुश्किलों का सामना करने के लिए, मैं तैयार हूँ आम से खास बनने के लिए, हाँ मैं तैयार हूँ हर डर का सामना निडरता से करने के लिए। डर के साए में आप केवल संभावनाओं की वजह से एक मानसिक पीड़ा को झेलते हैं, और डर की वजह से होने वाली टेंशन आपके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालती है। डर से भागो मत, बल्कि डर को अपने से दूर भगाओ, और इसका सामना ही केवल एकमात्र उपाय है इसको भगाने का। और कहते हैं जहां डर खत्म हो जाता है वहीं से आप जीना शुरू करते हैं। जिंदगी आपकी है और समय सबके पास सीमित है, डर को अपना भाग्य मत लिखने दो, इसका सामना करो, और यकीन मानिए जैसे जैसे आप डर का सामना करते हैं एक एक कदम आगे बढ़ाने लगते हैं, उस काम को करने लगते हैं जिससे आपको डर लगता है, जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होने लगते हैं, आपकी जानकारी बढ़ने लगती है, डर गायब होने लगता है, और धीरे धीरे डर आपकी हिम्मत, आपकी प्रैक्टिस, आपकी हर कोशिश के बाद आपकी बढ़ने वाली जानकारी को देखकर आपसे दूर भागने लगता है। ये मत सोचिए कि परफेक्ट होने पर या परिस्थितियां ठीक होने पर ही मैं इस डर का सामना करूंगा, क्योंकि परफेक्शन काम करने से ही आती है, और इसके लिए शुरुआत जरूरी है, और अगर किसी काम की शुरुआत है तो उसमें गलतियां होना स्वाभाविक है, अनेकों फेलियर भी आएंगे और मुश्किलें भी, और यही एकमात्र तरीका है कुछ भी सीखने का। और सोच कर देखिए जो काम आप आज कर रहे हैं, क्या आप उस काम में पहले से ही परफेक्ट थे? डर को हराने के लिए आप अपने जीवन में कुछ ऐसा ढूंढ लें जो आपके डर के एहसास से भी ज्यादा दर्द दे। महसूस कीजिए उस दर्द को, उस निराशा को, जो आपके अपने माता पिता, आपके परिवार, आपके बच्चों को होगी, जिन्हें जब ये पता चलेगा कि आप केवल डर के कारण वो करते रहे जो आप करना ही नहीं चाहते थे, और कैसा लगेगा अगर वो भी आपके पद चिन्हों पर चले। और उससे भी ज्यादा दर्द आपको तब होगा
जब आप अपने जीवन के आखिरी क्षणों में होंगे और आपको ये एहसास होगा कि आप तो कभी जिए ही नहीं। आपका अस्तित्व तो था लेकिन उस अस्तित्व में जीवन ही नहीं था। महसूस कीजिए उस दर्द को, दिल की गहराइयों तक महसूस कीजिए। महसूस कीजिए आपको अपने डर की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आज आपने डर के वो ना किया जो आप करना चाहते हैं तो कैसा होगा आपका भविष्य। अगर आपने डर के कारण अपने सपनों का गला घोट दिया कैसा होगा वो दर्द जो डर की वजह से भविष्य में उठाना पड़ेगा। उन रिश्तों को, उन सपनों को जिनके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, और लिखिए उसे एक कागज पर कि क्यों आपको अपने डर से डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। क्योंकि आपको डर से डर के बैठना नहीं है। ऐसा क्या होगा जो आप डर से डर गए तो खो देंगे। भविष्य के उस परिणाम के बारे में सोचिए कि अगर आज डर गए तो भविष्य में क्या खोना पड़ेगा। अगर आज आपने अपने डर पर विजय पाली और कोशिश की तरफ कदम बढ़ाया तो फेल होने की संभावनाओं के साथ सफलता की संभावनाएं भी होंगी। हो सकता है आप फेल हो जाएं। आपका डर सही साबित भी हो तो भी मन में ये पश्चाताप नहीं होगा कि यार जीवन में ट्राई ही नहीं किया। और जब आप हारेंगे, गिरेंगे, मुश्किलों का सामना करेंगे तो हर बार डर कम होता जाएगा और हर बार आप कुछ नया सीखते जाएंगे। और अगर आपकी कोशिश सफल रही तो आपके सपने सच हो जाएंगे। और कुछ भी ना हुआ तो आप कम से कम उन 90% लोगों में तो नहीं आएंगे जो डर से डर कर कोशिश ही नहीं करते और बाद में कोशिश क्यों नहीं की ये सोचकर जीवन भर केवल पछताते हैं। क्यों डरना जिंदगी में कि क्या होगा। कुछ भी ना हुआ तो तजुर्बा होगा। यदि हार निश्चित है तो फिर डर किस बात का। खुल के सामना करो। शायद आपकी यही निडरता आपकी हार को जीत में बदल दे। फेलियर के डर से मत डरो क्योंकि फेलियर के डर से डरना सबसे बड़ा फेलियर है। क्योंकि असफलताओं का महत्व सफलताओं से भी अधिक है। क्योंकि इसके अलावा दुनिया में और कोई भी तरीका नहीं है सफल होने का और डर को दूर भगाने का। और सारा वीडियो देखने के बाद फिर भी अगर आपको डर को छोड़ना आसान नहीं लगता है तो यार डरना ही है तो गरीबी से डरो। अगर आपको डरना ही है तो रैश ड्राइविंग से डरो क्योंकि आपके घर में कोई आपका इंतजार कर रहा है। अगर आपको डरना ही है तो बुरे काम करने से डरो। अगर आपको डरना ही है तो उल्टी सीधी जगहों पर खड़े होकर सेल्फी लेने से डरो क्योंकि डर और डेंजर में फर्क को समझना ही होगा। उसी तरह हिम्मत और बेवकूफी के फर्क को भी समझना होगा। अगर आपको डरना ही है तो अपने उस भविष्य से डरो जिसमें आपके पास पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं होगा कि काश ट्राई तो किया होता, काश मैंने एक बार तो हिम्मत की होती, काश मैं इतना भी डरा ना होता, काश जीवीजी मोटिवेशन का ये वीडियो पहले देख लिया होता। और अगर डरना ही है तो यार एक बात बताओ, अब सब कुछ मैं ही बोलूंगा या आप भी कुछ लिखेंगे बिना डरे नीचे कमेंट्स में। तो यार मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि अगर डरना ही है तो हमें किन बातों से डरना चाहिए। तो लिख दीजिए बिंदास बिना डरे नीचे कमेंट्स में कि अगर डरना ही है तो हमें या हमारे दोस्तों को, हमारे राजनेताओं को, हमारे सेलिब्रिटीज को और हमारे समाज के ठेकेदारों को तो किन बातों से डरना चाहिए। मुझे हमेशा आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। और यार अगर ये वीडियो पसंद आया हो ना तो बिंदास बिना डरे लाइक के बटन को दबाने से मत डरना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करने से भी मत डरना क्योंकि किसी भी अच्छे काम से डरना नहीं चाहिए। क्योंकि ना जाने आपका ये एक शेयर आपके किसी अपने को डर से लड़ना ही सिखा दे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और बेल के बटन के साथ क्या करना है ये तो आपको मालूम ही है। और अंत में डर मुझे भी लगा था फासला देखकर पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो हौसला रखिए, डर को डराते रहिए और ये वीडियो अपने दोस्तों में भी फैलाते रहिए। और ऐसे ही हौसले से भरपूर नए वीडियोस देखने के लिए बार बार इस जीवीजी मोटिवेशन चैनल पर आते रहिए। धन्यवाद।